गुलाब जल आप सभी ने देखा होगा और कभी ना कभी इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं गुलाब जल की प्योरेस्ट फॉर्म, जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए किलो। और जितनी महंगी इसकी कीमत है, उतना ही यूनिक और मेहनत भरा इसको बनाने का तरीका है। तो अगर आपने कभी गुलाब जल बनते हुए नहीं देखा है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। अभी हमें उत्तर प्रदेश के एटा जिले के देवकरणपुर गांव में, जहां पे दुनिया के सबसे बढ़िया किस्म के गुलाब की खेती होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये गोरैया गुलाब है, जिससे सबसे बढ़िया क्वालिटी का रूह गुलाब गुलाब जल बनता है। तो सबसे पहले रूह गुलाब बनाने के लिए देखिए, खेतों में बिल्कुल ताजे गुलाब जो है उन्हें तोड़ा जा रहा है। खेतों में गुलाब तोड़ने के बाद इस तरीके से लाया जाएगा, फिर जहाँ पे उसका वजन होगा, वजन होने के बाद सारा गुलाब अपना एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग खेतों में से अपने गुलाब आते रहेंगे। तो देखिए, जितना भी गुलाब आ रहा है वो सारा यहाँ पे ढेर लगा के इकट्ठा किया जा रहा है। अभी जो गुलाब अपना इकट्ठा हुआ है, उसे यहाँ से पल्लियों में भर के लेके जाया जाएगा देग में, जहाँ पे इससे रूह गुलाब, गुलाब अतर, गुलाब जल ये सब बनेगा। तो एक देग के अंदर 40 से 45 किलो गुलाब जाएगा। तो देखिए, जितना भी अपना गुलाब आया था सारे को भर लिया गया है पल्ली में, यहाँ से जाएगा देग में। ये जितने भी देग है देखिए, सभी के अंदर पहले पानी डाला जाएगा। सभी देग में पानी डालने के बाद अब देखिए उपले लाए जा रहे हैं, जिनसे अपनी भट्टी जलाई जाएगी। तो ये आ गए हैं उपले, और देग के नीचे आप देखिए भट्टी है, जहाँ पे उपलों की आंच में ये पकेगा। वजन करने के बाद देखिए, गुलाब अपना यहाँ पे लाया गया है, अब ये डाला जाएगा देग के अंदर। और ये कोई 45 किलो गुलाब है जो देग के अंदर जाएगा। तो ये देखिए, देग बिल्कुल ऊपर तक ठूस ठूस के अच्छे से भरी जा रही है गुलाब से, और बिल्कुल ताजा गुलाब है, अभी खेतों से तोड़ के लाया गया है। और इसी तरीके से आप और देखिए, और किसान अपना अपना गुलाब लेके आते रहेंगे, यहाँ पे गुलाब आता रहेगा, वहाँ पे वजन होता रहेगा, और वजन होके अपना इन देगों में भरा जाता रहेगा। देग का आप साइज देख सकते हैं, कितनी बड़ी ये देग है, बिल्कुल ऊपर तक ये देग भर दी गई है गुलाब के फूलों से। और भैया, आप क्या डाला जा रहा है इसमें? ये पक्का पानी है। तो पक्का पानी होता है बहुत हाईली कंसंट्रेटेड गुलाब जल, वो डाला गया है इसमें। अब देखिए, देग का जो मुंह है उसके ऊपर अच्छे से चिकनी मिट्टी लगा दी गई है। अभी भैया, कितनी देर तक चलेगी इसके नीचे? 4-5 घंटा। 4-5 घंटे इसके नीचे आग जलेगी। अब चिकनी मिट्टी लगाने के बाद इस पर ढक्कन लगाया जा रहा है, तो पूरा प्रॉपर सील पैक किया जाएगा। ये देखिए, ढक्कन लगा के ठोका जा रहा है बढ़िया तरीके से। तो भैया, इतना तगड़ा सील पैक क्यों किया जाता है इसे? जिससे गैस ना निकले, गैस का कोई लीकेज ना हो, इसलिए प्रॉपर सील पैक किया जाता है। पहले चिकनी मिट्टी लगाई है, फिर ढक्कन, ढक्कन को बढ़िया तरीके से ठोका है, उसके बाद ये एक और लगाया है इंतजाम। देग अपनी सील पैक की जा चुकी है, और अब यहाँ पे भपका तैयार किया जा रहा है। भपका ये छोटे वाला मटका है, जिसके अंदर ये बांस का पाइप लगा हुआ है। अब ये तैयार किया जा रहा है, इसे प्रॉपर सील पैक किया जा रहा है। अब ये जो भपका है, इसे अटैच किया जाएगा अपनी देग से, और भपका डाल दिया गया पानी में। भपके को देखिए, पानी में डुबा दिया गया है, और ये भपका, ये जो ढक्कन में एक अकेला इकलौता होल है, इसमें सेट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एक एक करके देखिए भपके लाए जाएंगे, और ये सारे भपके एक एक देग में अटैच किए जाएंगे। अब भपका लगाने के बाद देखिए, इसके नीचे आग लगाई जा रही है। पिछले 4 घंटे से जो अपनी देग है वो बहुत तेज आंच में गर्म हो रही है, और अब जो गुलाब की सारी खुशबू है वो सब आ चुकी है अपनी इस भपके के अंदर। तो भैया, भपके में अब क्या किया जा रहा है? मलाई। तो मलाई निकाली जा रही है भपके की? अच्छा, ठंडा करा जा रहा है। तो ठंडा होने से इसमें इकट्ठी हो जाएगी ये। तो कितनी आएगी भैया एक भपके में? 6 ग्राम 7 ग्राम। इस एक भपके के अंदर 45 किलो गुलाब डला है, और उससे केवल 5-6 ग्राम आएगी निकल के। अभी अगले 40 मिनट तक ये इतने सारे लोग लगातार पानी डालते रहेंगे इन भपकों के ऊपर, कि ठंडा होता रहे और जो गुलाब की खुशबू है वो सारी इकट्ठी होकर इसमें आ जाए। अभी कोई 40 मिनट हो चुकी है भैया, हो गया तैयार ये? तो अभी ना बाहर निकाला जाएगा। तो ये अब अपना निकाल लिया गया है, और भपका अपना सील कर दिया गया है। अभी भैया, पानी में रहेगा या बाहर निकाला जाएगा? अभी पानी में ही रहेगा। अभी कितनी देर रहेगा लगभग पानी में? अभी शाम तक पानी में रहेगा। तो इसी तरीके से जितने भी अपने भपके हैं, अब एक एक करके सारे निकाले जाएंगे, और इन्हें पानी में रखा जाएगा फिर शाम तक। अभी कोई 2 घंटे से भपके जो है पानी में रखे हैं। भैया, ठंडे हो गए ये? अब क्या किया जाएगा इनका? अब इनकी कटिंग होगी। अब ये जितने भपके हैं सारे लाके यहाँ पे इकट्ठे किए जाएंगे, जहां पे इनकी कटिंग की जाएगी। अभी इन्हें बाहर रखे रखे भी 2 घंटे और हो चुके हैं, अब फाइनली कटिंग की जाएगी। भैया, पूरे ठंडे हो गए अभी ये? अभी इन्हें लटकाया जा रहा है? अच्छा, लटका के कटिंग होगी। तो गाइस, पहले से कटिंग करके पानी निकलेगा, ये होगा गुलाब जल। और बहुत दूर बैठा हूँ इससे मैं, यहाँ तक बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। और भैया, रो गुलाब क्या है? जब ये सारा निकल जाएगा उसके बाद आएगा, उसका कितना प्राइस रहता है? 15 लाख रुपए किलो तक पहले बिक चुका था। 15 लाख रुपए किलो तक? और अभी क्योंकि महंगाई है तो और भी ज्यादा रहता है। बिल्कुल 20-21 लाख रुपए भी हो सकता है। 20-21 लाख रुपए किलो? किलो तो मतलब सोने के आधे रेट लगभग।
तो गाइस गुलाब जल निकल चुका है और अब यहाँ पे रूह गुलाब आएगा, तो ये नीचे से पानी निकल जाएगा हाँ। और ऊपर इसके रूह रह जाएगी। रूह मतलब पूरी आत्मा गुलाब की, गुलाब का एसेंस है। तो गाइस ये देखिए नीचे जो आपको नॉर्मल कलर का है ये व्हाइटिश ये है गुलाब जल, और ऊपर जो ये बारीक लेयर नजर आ रही है बिल्कुल आपको, ये चीज है रूह गुलाब। और ये पूरी एक देग में से जो आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी, इस देग के अंदर से ये इतना सा मटेरियल निकला है केवल, और इसका प्राइस 20 लाख रुपए किलो से ऊपर रहता है। ऊपर से मुंह करके डालो बहुत खुशबू है, मतलब हल्का सा कड़वापन भी है बट ठंडक है बहुत, और पीने मतलब पीते टाइम कड़वा है, पीने के बाद अब पूरे मुंह में खुशबू खुशबू हो गई, ऐसा लग रहा है अंदर तक खुशबू ही खुशबू कर दी है। अब देखिए अपना गुलाब जल सारा निकल चुका है, इस बीकर के अंदर जो बचा है ये है रूह गुलाब, गुलाब की आत्मा मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गुलाब है। 1.5 क्विंटल की देख में से ये माल निकला है। बहुत चीजों में गुलाब जल का उपयोग होता है, आपको 100 रुपए से शुरू हो जाएगा मार्केट में, 500, 600, 1000 का भी मिलेगा, लेकिन ये जो आपको हमने बनता हुआ दिखाया ये गुलाब जल की बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है। ये 20 लाख 21 लाख रुपए किलो आता है, बिल्कुल गुलाब की आत्मा निचोड़ ली गई है आप ये समझिए। और ये जो प्रोसेस है ऐसी चीजें आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, और ये हमने ट्राई किया उत्तर प्रदेश के देवकरणपुर गांव में जो कि एटा जिले में पड़ता है। बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट, इसे पीकर मुझे मजा आ गया। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे यूनिक वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।